धन दौलत यश तप व्रत उपवास इन सब से बढ़कर है भगवान का ध्यान। और भगवान के ध्यान में बड़े में बड़ा विघ्न है व्यर्थ का चिंतन। और व्यर्थ के चिंतन को भगाने के लिए बड़े में बड़ा सरल साधन है हर एक दो मिनट में हरि ओम हरि ओम। इसमें चुप साधन पर पहुंच जाएगा, व्यर्थ चिंतन बंद होकर खुली आंख चाहे बंद आंख अथवा आकाश के तरफ निगाह या गुरु के तरफ निसंकल्प ध्यान भले एक एक मिनट का लगे बहुत भारी लाभ देता। और ध्यान में अगर भगवान को पाने का लक्ष्य है तो भगवान मिलेंगे, और संसार को पाने का लक्ष्य है तो संसार मिलेगा। संसार मिलेगा छूट जाएगा और दुख देता रहेगा, और भगवान मिलेंगे माधुर्य देते रहेंगे और कभी छूटेंगे नहीं। दोपहर के सत्संग में सुरेश जी ने जो कहा था फिर से आपके लिए दोहरा रहे हैं। संत तुलसीदास जी ने कहा, राम कृपा करी चितवा जेही, संत विशुद्ध मिलत ही परिते ही। भगवान ने कृपा करके जिसके तरफ देखा या जिसका कल्याण करना चाहा, उनको विशुद्ध संत सच्चे संत के चरणों में पहुंचा दिया, उनकी मुलाकात करा दी। इससे गुरुदेव ने प्रश्न किया कि भगवान कब तक देखते रहते हैं, कहां से देखते हैं, कैसे देखते हैं, और देखते ही रहते हैं कि फिर खाते भी हैं, सोते भी हैं, देवशयनी एकादशी से लेकर देवजगी एकादशी तक भगवान विश्राम करते हैं, चतुर्मास तो कैसे देखते हैं, ये प्रश्न था हमारा। अब उत्तर दो महाराज। भगवान चतुर्मास सोते हैं तो फिर जो कुछ हेराफेरी करें छूट है, भगवान नहीं देखते तो सो गए तो बोलते हैं चतुर्मास में तो साधना करो ज्यादा ज्यादा फल होगा। हाँ फिर क्या उत्तर है? जैसा सत्संग में गुरुदेव ने ही बताया है कि हम कोई अच्छा काम करते हैं तो अंदर से धन्यवाद आता है, अच्छा भाव आता है, पर कोई बुरा काम करने को जाते हैं तो धड़कन बढ़ जाती है, और ये सबका अनुभव है कि उस समय कैसा होता है। ये ईश्वरीय प्रेरणा ही है, और ईश्वर ने स्वयं कहा ही है कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके
हृदय में है, सबके कर्मों के साक्षी है, प्रेरक है, पोषक है, नियामक है, कर्म के फलदाता है। और हम बात मानते हैं, हम शास्त्र भी कहते हैं, हम मानते हैं। हाँ, जैसे माता पिता होते हैं, वो देखते हैं कि हमारा बेटा बुरे रास्ते जा रहा है, अच्छा नहीं कर रहा, तो भी माँ बाप कोई उसके हाथ नहीं काट देते हैं या उसको उसका कुछ बुरा नहीं चाहते हैं, थोड़ा डांट फटकार कर, कभी थोड़ा प्यार देकर उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उसी प्रकार भगवान भी देखते हैं कि ये जीव मेरा ही अंश है, मेरे से थोड़ा विमुख हो गया है, इस पर भी कृपा करके इसको कोई संत के चरणों में पहुंचा दिया जाए, ताकि इसका जीवन, इसकी जीवन शक्ति अधोगामी न हो, ऊर्ध्वगामी हो। उसी लिए भगवान शिव जी ने शिव गीता में गुरु का स्वभाव बताया है। भगवान शिव जी ने राम जी का, भगवान राम का स्वभाव भी बताया है और शिव जी ने गुरु का स्वभाव भी बताया है। गुरु का स्वभाव शिव जी ने बताकर मानव मात्र पर बड़ी कृपा की है। शिव जी ने एक तो गुरु का स्वभाव बताया है और दूसरा गुरु की भक्ति का प्रभाव बताया है। और गुरु के दिल में जो सबके लिए सद्भाव होता है वो भी बताया है। और जिस व्यक्ति की अपने जीवन में जो अभाव है उस पर नजर न होकर गुरु के स्वभाव और गुरु भक्ति के प्रभाव पर नजर होती है, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी निराश नहीं होता, विफल नहीं होता। बहुत बढ़िया। भगवान